अरे हमारी मोछे आ रही है, बहुत तगड़ी आ रही है। मोछे जरूर आया भैया। हेलो, इनकी मोछे कायदे से ये फेवरेट बनाओ भैया। ये ब्रांड क्योंकि हम लोग उन्हीं के सहारे चल रहे हैं, उन्हीं कोई औकात नहीं। छात्रों का जांच है, दसवीं का अंकल अभी बुला देते हैं। तो वही बैठे थे ऐसा है कि हम लोग जो है किसी भी फर्म के जब जांच करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, उसका इनपुट्स लेते हैं, उसके बाद ही जांच हो पाती है। क्योंकि डायरेक्ट तो हम जांच नहीं करते बिना इनपुट लिए, बिना उसका लिए के पंजी जो है टैक्सी चोरी कर रहे हैं। जो हम लोग ने आईटी से सारे इनके डाटा जो खंगाले हैं, इसके बाद ये पाया गया है कि इनके द्वारा भारी मात्रा में तीन फर्मों हैं, जो लक्ष्मी है, व्यापक है और क्या कहते हैं तीसरी फर्म है, वो आपस में श्रेयस है, तीनों जो है एक सर्किट ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो उसी खरीद रहा, उसी बेच रहा, उसी खरीद रहा, वो बेच रहा। तब थोड़ा हुआ, उसके बाद जब हमने उसमें जांच आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि जो ये सेल दिखा रहे हैं एक दूसरे को, पता चला कि जो ट्रकों के सेल दिखा रहे हैं उसमें प्रथम दृष्टया ट्रैक्टर के नंबर पाए गए, कैब के नंबर पाए गए, मोटरसाइकिल के पाए गए, स्कूटी के पाए गए। तो भाई 10 टन 15 टन माल कैब से और क्या कहते हैं सवारी ढोने वाली है, मोटरसाइकिल से तो नहीं जा सकता। उस जांच को जब हम आगे बढ़ाए हैं, जो हमने इनको जांच किया तो पता चला कि एक्चुअल व्यापार न करके एक सर्किट ट्रेडिंग करने का आईटीसी का लाभ ले रहे हैं ताकि टैक्स चोरी कर सकें। कितना मामला घेराघेरी पकड़ी जा चुकी है डायरेक्टर का? सीधे सीधे तो जो है 300 करोड़ के तक लगभग पहुंच चुका है, जो आगे जांच जैसे जैसे बढ़ रहे मुझे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया और आगे बढ़ने की संभावना है। और नहीं, डायरेक्टर को बुलाया गया लेकिन कोई डायरेक्टर, कल से जांच चल रही है हमारी, अभी तक आए नहीं कोई, और ना यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी बुला रहा है उनको, कह रहे हैं कहीं बाहर हैं। इसमें जब 4 से 5 डायरेक्टर हैं, कोई भी नहीं आ रहे हैं यहाँ। ये माना जाए कि जीएसटी को लेकर जो भ्रम फैला है, लोग अक्सर कहा जाता है कि जीएसटी की वजह से सरकार व्यापारी परेशान है और इस तरह के लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, तो ये नहीं नहीं एक्चुअली होता क्या है कि ना जैसे ट्रेड वाइज है, जो ट्रेड सेंसिटिव है उसी में ज़्यादा चोरी हो रही है, अदरवाइज आम व्यापारी तो व्यापार भी कर रहा, जमा भी कर रहा। लेकिन कुछ जो सिंडिकेट वाले हैं, जो एक सिंडिकेट और रैकेट बना के काम करते हैं, सर्किट ट्रेडिंग करते हैं, उनके द्वारा चोरी की जा रही है। यहाँ रनिया में इनकी लक्ष्मी की क्या कहते हैं फैक्ट्री है, जो एडविल ऑयल का कारोबार करते हैं। यहाँ इनका एक हेड ऑफिस यहाँ है, दूसरा कृष्णा टावर में है। 4 जगहों पे लगभग छापे मारे गए हैं। क्या क्या कार्रवाई करेंगे आप इसके बाद, क्योंकि डायरेक्टर मिल नहीं रहे हैं, तो इसके बाद क्या एफआईआर भी करा सकते हैं, दारी करा सकते हैं क्या? नहीं, अभी जो है हम देख रहे हैं जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है उसी के हिसाब से जो भी जीएसटी में एज पर रूल जो है उसी हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई।